गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 9, डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। सबसे पहले जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें, जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसकी वैल्यू जो कम हो रही है, वो वैल्यू किसी भी वजह से कम हो सकती है, उसके वियर एंड टीयर होने की वजह से, आप जब उसे यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई भी टूट फूट अगर हो जाती है, या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई और जो आपकी एसेट थी वो पुरानी हो गई, तो उस वजह से उसकी जो वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नॉर्मली सभी टाइप ऑफ बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स यूज़ की जाती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल एक्सेट्रा। ये एसेट्स जो हैं, जो आप परचेज कर रहे हो, ये बेसिकली कर क्या रही है, आपके लिए इनकम जनरेट कर रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब कॉन्टिन्यूसली जब आप इन्हें यूज़ कर रहे हो तो उनकी जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उस डिक्रीज को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपना ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में जो है वो जान पाए, क्योंकि एक तरीके से अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। तो डेफिनेशन क्या है डेप्रिसिएशन की? According to R.N. Carter, depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause. Depreciation क्या है? लगातार और permanent जो decrease हो रहा है आपकी value में किसी asset की, उसे हम कहते हैं depreciation। वो चाहे किस भी वजह से हो रहा हो, रीज़न उसके अलग अलग हो सकते हैं, कॉजेस क्या हैं डेप्रिसिएशन के हम आगे टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डेप्रिसिएशन के। फर्स्ट, डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। देन जो डेप्रिसिएशन है वो टर्म जो है कब यूज़ की जाती है, किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? जो आपका डिक्रीज हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, उसके लिए डेप्रिसिएशन टर्म हम यूज़ करते हैं। जो डेप्रिसिएशन है उसमें परमानेंट डिक्रीज होता है वैल्यू ऑफ एसेट की, जो वैल्यू है उसमें परमानेंट डिक्रीज होता है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। एक बार आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो आपकी जो वैल्यू है एसेट की वो परमानेंटली कम हो जाती है। देन जो वैल्यू ऑफ एसेट है, हमने सभी एसेट्स को इंक्लूड किया लेकिन इसमें लैंड को हम छोड़ देते हैं क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है। तो वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो डिक्रीज करती है ग्रेजुअली, क्योंकि आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। जैसे सपोज एग्जांपल लें, अगर आप कोई व्हीकल लेते हैं तो हर साल जब आप उस पर इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी वैल्यू वो कम कर देता है। वैल्यू जो कम करता है, वो कम करने का रीज़न क्या है? उसका डेप्रिसिएशन है। देन डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है ऑफ एलोकेशन, ना कि वैल्यूएशन का। देन डेप्रिसिएशन वर्ड हम हमेशा इन द डिक्रीज हमेशा यूज़ नहीं करते हैं फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लेकिन कई बार जो एसेट है अगर बिजनेस में यूज वो नहीं हो रही है, जो डेप्रिसिएशन वर्ड है आप उन चीज़ों के लिए भी यूज़ कर लेते हो अगर वो एसेट आपकी बिजनेस में यूज़ नहीं हो रही। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो डेप्रिसिएशन वर्ड है वो हमेशा यूज़ नहीं किया जाता फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के। फर्स्ट है कॉन्स्टेंट यूज़। अगर आप किसी एसेट को कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, वैल्यू मशीन की, प्लांट, कंप्यूटर, फर्नीचर की, तो ये एक रीज़न है डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट ऑफ टाइम। जो वैल्यू है एसेट की वो डिक्रीज करती है ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे आप उस एसेट को बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं यूज़ कर रहे हैं। देन नेक्स्ट
जो हमारा है दैट इज ऑन एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। लाइफ टाइम कुछ एसेट्स का फिक्स्ड होता है बिजनेस के लिए, चाहे आप उसे बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। सपोज एक ट्रेडर है, उसने एक एसेट परचेज की लीज पर 20 साल के लिए 10 लाख रुपए में, तो जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है हर साल वो 50,000 रुपीज़ एनुअली डिक्रीज हो रही है, चाहे आप उसे यूज़ करो चाहे आप उसे यूज़ ना करो। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट, जो वैल्यू है एसेट की वो डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू एक्सीडेंट, ये फायर फ्लड अर्थक्वेक की वजह से, जब जो आपकी क्वालिटी है एसेट की वो कम हो जाती है तो आपकी जो एसेट है वो डेप्रिशिएट कर जाती है। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन मिस्टेक, जो वैल्यू है एसेट की वो डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक ऑल्सो, या एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, आप जो एसेट है उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे और उसकी वजह से वो ख़राब हो रही है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। देन इज ऑब्सोलेंस, नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो पुरानी एसेट्स हैं वो यूज़फुल नहीं रहती है और जो नई टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी एसेट लेके आ रही है, तो ऑब्सोलेंस भी एक रीज़न है कि क्यों आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। देन नेक्स्ट इज़ फॉल इन प्राइस, जो वैल्यू है एसेट का वो डिक्रीज़ करता है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइस, और ये जो फॉल होता है वो परमानेंट होता है, तो इसी को हम डेप्रिशिएशन मानते हैं। देन डिप्लीशन हो सकता है, कुछ एसेट्स डिप्लीट होती हैं जब आप उसमें कॉन्टीन्यूसली पे काम कर रहे हो, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, तो उन वैल्यू की एसेट डिक्रीज हो जाती है। जैसे सपोज एग्जांपल हम लेते हैं आपकी माइंस हो गई, ऑयल वेल्स हो गए, जैसे जैसे आप उन्हें खोदते जा रहे हो उसमें से जो रिसोर्सेज है वो आप निकालते जा रहे हो, तो उसके लिए हम डिप्लीशन वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का, तो ट्रू प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए जरूरी है हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना। देन करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को असर्टेन करने के लिए ज़रूरी है हमें डेप्रिसिएशन जानना, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी एक तरीके का एक्सपेंस है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट इकोनॉमिक पोजीशन बाय बैलेंस शीट, अगर आप पूरे एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं एक साल में वो शो करोगे तभी तो आपको ट्रू प्रॉफिट और लॉस आपका पता चलेगा, तो प्रेजेंटेशन करने के लिए आपकी करेक्ट इकोनॉमिक पोजीशन की बैलेंस शीट में कि आपकी जो एसेट है उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसके लिए ज़रूरी है। देन अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, जो भी आपने एसेट खरीदी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद तो ख़त्म होगी, आपको दूसरी लेनी पड़ेगी, तो आफ्टर जो लाइफ टाइम होगा एसेट का उसके बाद आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी एसेट है वो जब आपके लिए यूजलेस हो गई है तो आपको नई एसेट वो खरीदनी पड़ेगी, तो उसे हम रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कह रहे हैं, तो उसके लिए फंड्स अरेंज करने के लिए ज़रूरी है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए। जितना आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उतना ही अमाउंट आप साथ में रखते जा रहे हैं ताकि एट द एंड ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट आप दोबारा उस एसेट को खरीद सके। देन टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ कैपिटल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट, प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट तब करते हैं जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। अगर जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें आप ज़्यादा प्रॉफिट्स पे कर दोगे। उस सिचुएशन में जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट आपने शेयर होल्डर्स को एक्चुअल में की है वो प्रॉफिट ना होके एक पार्ट था कैपिटल का। देन टू सेव कम टैक्स, डेप्रिसिएशन अगर आप चार्ज करते हो तो वह आपका एक्सपेंस की तरह आप उसे ट्रीट करते हो, तो अगर डेप्रिसिएशन आप अकाउंट नहीं कर रहे हो चार्ज नहीं कर रहे हो तो जो आपके प्रॉफिट्स हैं बिजनेस के वो इंक्रीज्ड दिखाई देंगे और ज़्यादा इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। देन और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो डेप्रिसिएशन के आप यूज़ करते हो, द रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं, सिनोनिम्स इन्हें हम कह सकते हैं जो आप डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ कर रहे हो, जो एक्सप्रेस वही चीज़ करते हैं दैट इज़ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो सबसे पहला टर्म तो डेप्रिसिएशन ही हो गया कि आपकी फिजिकल एसेट्स जो हैं अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए आप टर्म यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज अमोर्टाइजेशन, जो टर्म अमोर्टाइजेशन है आप यूज़ करते हैं फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। देन डिप्लीशन
टर्म है, जो ये टर्म है वो यूज़ की जाती है फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे आपके माइंस हो गए, ऑयल वेल्स हो गए. देन जो नेक्स्ट टर्म है दिस डीलेपिडेशन. कई बार इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज जो ऑनर है वो डिमांड करता है कि एट द एंड ऑफ द लीज जो एसेट है उसे सेम कंडीशन में होना चाहिए जो वो लीज के बिगनिंग में थी. तो इस पर्पस के लिए जो लीज होल्डर होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल अलग निकाल के रखता है, और वो एक किस लिए होते हैं, जो आपके रेयर एक्सपेंसेस होते हैं, रिपेयर एक्सपेंसेस होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो उस अमाउंट से आप पे करते हो. तो जो ये पेमेंट आप रिपेयर एक्सपेंसेस की कर रहे हो उसी को हम डिलैपिडेशन कहते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे आप निकालते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट. कॉस्ट ऑफ एसेट पे हम टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट लेते हैं. जो ओनली कॉस्ट ऑफ एसेट को हम नहीं लेते हैं, उसमें हम और भी चीज़ों को ऐड करते हैं. वो क्या क्या है, जैसे आपने कोई एक्सपेंसेस अगर इंकर किए हैं ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द एसेट तो वो भी उसमें ऐड किए जाएंगे. देन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ टाइम क्या होगा एसेट की, कि कितने लाइफ तक आपकी जो एसेट है कितने ईयर्स तक वो आप उसको यूज़ करेंगे, कितने ईयर्स तक आप उसे चलाने वाले हैं. उसे आप ईयर्स में, मंथ्स में, वर्किंग आवर्स में, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, किलोमीटर्स के इन केस ऑफ व्हीकल्स, इस टर्म्स में आप उन्हें निकाल सकते हैं. देन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट की, जब एक्सपेक्टेड लाइफ उस एसेट की आप मान रहे हो कि इतने साल है और उस साल में वो ख़त्म हो जाएगी, तो उस साल में जो भी जिस भी फॉर्म में आपके पास वो एसेट बची है, अगर आप उसे ख़त्म कर रहे हो, आप उसे बेच देते हो, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा. तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए ये जो अमाउंट है, आपको जो आपकी कॉस्ट पड़ी थी एसेट की उसे उसे माइनस करना होता है. तो इसके लिए बेसिकली फॉर्मूला क्या यूज़ होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ एसेट में से आप माइनस करते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, और उसको हम डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ टाइम ऑफ एसेट से, तो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो निकलता है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेप्रिसिएशन के लिए आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.